तो गाइज, आपने 3 दिन से हमारे एक प्रैंक को ट्रेंडिंग पे रखा हुआ है, तो हमने सोचा कि उसके जो कमेंट्स हैं, आप इतने मेहनत करते हो कमेंट्स करने में, तो उनके कमेंट्स हम जरा पढ़ देते हैं आपके सामने। तो पहला कमेंट पढ़ने जा रही गोलू। जी, पहला कमेंट है हर्ष थापा का, पायल हंस रही है, साफ पता चल रहा है नकली है। तो प्रैंक तो सब प्लान करके ही करते हैं, तो हंसी आ ही जाती है, पर मैंने बहुत कंट्रोल किया था अपनी हंसी पे, फिर भी थोड़ी बहुत हंसी आ गई थी। तो नेक्स्ट कमेंट है हीना रामजान का, अरमान भाई ये प्रैंक देखकर हंस हंस के पेट में दर्द होने लग गया। ये तो है ही गाइस, ये प्रैंक था ही बहुत फनी, और इसमें जो वर्ड थे ना, जो डायलॉग डिलीवरी थी पायल की, वो बहुत ही फनी हो गई थी। तो नेक्स्ट है डॉक्टर इंजीनियर व्लॉग्स का, क्यूटेस्ट मूवमेंट जब कृतिका चप्पल नहीं उठा पा रही, उसी चप्पल से उठवा रही। अच्छा, उसी से चप्पल उठवा रही है। हाँ, ये गोलू का डायलॉग था कि मैं भी चप्पल पहनती हूँ, चप्पल उठा के दे तेरे को मारनी है, तो और वो लक्ष्मी दे भी रही है। चप्पल उठा के दे दी थी। तो नेक्स्ट है टाइटन का, हर जगह न्यूज में वीडियो ऐसे स्प्रेड हुए है कि रियली डेट मैरिड थर्ड लेडी, तब भी आई मैं देखने। हाँ गाइस, सच में ये हर जगह वायरल हो गई, मतलब आप लोगों ने इतना प्यार दिया, हमें इतना अच्छा लगा, तभी आज हम कमेंट रीड कर रहे हैं कि आप लोग इतनी मेहनत करते हो, हर जगह वायरल हो गई कि इन्होंने थर्ड शादी कर ली, इन्होंने थर्ड शादी कर ली। चाहे वो प्रैंक है, चाहे वो जैसे भी है, बट देखो वायरल हुई है चीज, और वायरल होने से ना लोग और देखते हैं, तो हमारा सफल रहा प्रैंक जो हमने किया वो सफल रहा। तो नेक्स्ट है शिवम मंगल का, हा हा ओ भाई इसमें सच में मजा आ गया, कह रहे हैं हलवा बना के आ। अच्छा, हाँ हाँ चीकू के पापा लक्ष्य को बोल रहे थे जा हलवा बना के लाइन के लिए शादी करके। पहली रसोई में बनता है ना, इस बात का तो मैंने ध्यान नहीं दिया, सही में बहुत फनी बात है अभी। तो नेक्स्ट है नवदीप कौर का, भाई अब पागल हो गई हो, वो दोनों प्रेग्नेंट, अगर कुछ हो जाता तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं होता, होना तब होता है जब हमें कुछ पता ही ना, और ये चीज क्या कोई भी मतलब ऐसा हमें शौक लग जाए। पर हनुमान जी हमारा बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमें प्रेगनेंसी में शौक क्या हल्का सा मतलब कि कोई काम भी नहीं करने देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, हम उस चीज का सिर्फ एक्ट करते हैं, जैसे लोग एक्ट करते हैं मूवीज में वैसे हम कर रहे हैं एक्ट। तो नेक्स्ट है रोजी लिप्स का, अरमान वैसे मजे का वीडियो है, उफ लेकिन पायल यू रॉक, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट है रोहित धवन जी का, मजा आ गया भाई, थैंक यू सो मच रोहित जी। तो ये जो प्लान था ना, ये हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ है। जब हम घर पे, हम लोग कहीं गए हुए थे, जब घर पे आए ना तो 2 वरमाला पड़ी हुई थी, तो मैंने बोला ये वरमाला किस लिए लिया है, तो इन्होंने फिर हमें बताया कि ऐसे ऐसे आज मैं प्रैंक करने के सोचा, पूरा दिमाग अरमान जी का था, हमारे दिमाग में तो थॉट ही नहीं आया कि ऐसा कुछ भी करना चाहिए, तो अरमान जी ने बोला कि बस ऐसे ऐसे करना है, फिर हमने वो कर दिया। तो नेक्स्ट कमेंट है कर्मा का, पायल मेरे को नहीं करवानी सेवा, एक बहुत है सेवा के लिए। हाँ, ये मेरा डायलॉग था जब अरमान जी ने बोला कि तेरी सेवा करेगी, मैंने कहा मुझे नहीं करवानी सेवा, एक है ना, सेवा के लिए बस काफी है। तो नेक्स्ट है टाटा टेक का कमेंट, पायल चप्पल से मार मार के ठीक कर दूंगी इसको, कृतिका हाँ मेरे पास भी चप्पल। तो गाइस वो ना बस डायलॉग जो भी थे वो फ्लो फ्लो में निकल गए, बट अभी तक का ना सबसे बेस्ट प्रैंक रहा है, उसमें हमने भी इतना एंजॉय किया ना, और बहुत ही मजा आया, सच में शूट करके मजा आया, आप लोगों को तभी इतना पसंद आया क्योंकि हमने इतना एंजॉय किया था। तो नेक्स्ट है रुतिका सौंगदे का, प्रेगनेंसी में ऐसा प्रैंक मत करो, टेंशन और प्रेशर आता है 2 मिनट के लिए, अच्छा नहीं होता, आई फील सो सैड। तो रुतिका जी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम अपना ध्यान रख के हर चीज करते हैं, हम कोई भी ऐसा शॉकिंग काम नहीं करेंगे जिससे हमें तकलीफ हो, हमें सब कुछ पता होता है, इसलिए हम ये चीज को सिर्फ और सिर्फ एक्ट करते हैं ताकि आप लोग हंस सको। नेक्स्ट है निकिता फुलारी जी का, व्हाट अ प्रैंक, रियली एंजॉयड, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने एंजॉय किया, बस इसी के लिए ये जो प्रैंक है वो सफल हो गया और ट्रेंडिंग पे चल रहा है, 3 डेज से ट्रेंडिंग पे है, मतलब आप लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया। हाँ, थोड़े बैड कमेंट्स पे आए पर हमने वो नहीं पढ़े हैं क्योंकि जिन लोगों को हमारे बारे में नहीं पता है शायद वही बैड कमेंट्स कर सकते हैं जी। तो नेक्स्ट है आयुषी टेटवाटी का, कृतिका बी लाइक पायल तू मुझे क्यों बोल रही है, हाँ मैं को बोल रही थी, बताओ मैं क्या प्रैंक में कह रही है, कह रही एक छाती पे है एक कोल्ले, मैं कि तू मुझे क्यों सुना रही है। वो भी प्लान था, वो भी फ्लो फ्लो में निकल गया, जो निकल गया, डायलॉग्स हमारे कुछ भी सेट नहीं था, वो तो ऑन द स्पॉट हमने करा जो किया। तो नेक्स्ट है पायल गिरी का, कृतिका क्या जादू करा इसने, अरमान जो तूने किया था, और इसके आगे का भी था, मैंने बोला था कि फिर मेरा जादू कहाँ गया जो मैंने 12 साल से कर रखा था, तो ये भी बहुत फनी था। तो नेक्स्ट कमेंट है मानसी का, भाई इससे ज्यादा रियल प्रैंक आज तक नहीं देखा, बेस्ट सीन एट 9:30, थैंक्स सर, बहुत लाफ आया आपकी वजह से, थैंक यू सो मच मानसी। 9:30 वाला जो सीन है मुझे याद नहीं, बट मैं फिर ना एक काम करूंगी, इस ब्लॉग के बाद जरूर देखूंगी, और आप लोग हंसे ये चीज बस हमारे लिए था कि आप लोगों को हंसाया हमने, ब्लॉग ट्रेंडिंग पे लाया, हमारी सफल जो मेहनत है वो सफल हो गई। तो नेक्स्ट है जुमन वाइटी का, चीकू ने पूरा मिठाई खा ली, चीकू मुझे तो मजा आ रहा है मिठाई खाने में, हाँ चीकू को हमने मिठाई का डब्बा दिया, इन्होंने दे दिया था, बेटा तू भी खा मिठाई, चीकू चुपचाप बैठा हुआ था ना प्रैंक में, क्योंकि हमने बोला था बेटा तू कुछ नहीं बोली, क्योंकि चीकू छोटा है ना, चीकू को समझाना पड़ता है कि अगर तू आ भी गया तो आराम से बैठियो, बोलियो मत कुछ। तो नेक्स्ट है निधि मिनी ब्लॉग का, अरमान भैया आपकी पूरी फैमिली बहुत
बहुत अच्छी है और आपकी फैमिली को नजर ना लगे कभी भी। थैंक यू सो मच। बस आप लोग ऐसे ही दुआ करते रहिए और हमारी फैमिली को कभी नजर नहीं लगेगी टच वुड, क्योंकि जितनी नजर लगनी थी ना हमारी फैमिली को लग चुकी है और जीरो से यहाँ तक आए हम आपके प्यार के थ्रू। और ऐसे ही प्यार देते रहिए आगे भी, ताकि जो भी दुख तकलीफ आए हमारे ऊपर, जैसे अभी गाड़ी चोरी हुई, इतना बड़ा हादसा था फिर भी हम उभरे उससे, और मुझे लगता है बहुत ही जल्द हमें गाड़ी जो हमारी खोई हुई वो मिल जाएगी। बस ऐसे ही आप प्यार और दुआ में हमें शामिल रखना हमेशा। तो नेक्स्ट है शिमा शर्मा व्लॉग्स का, छाती पर एक और लाकर रख दी OMG। ये एक डायलॉग था क्योंकि उस टाइम ना समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलना क्या नहीं बोलना, और अगर कोई एक भी मूवमेंट ना करे, एक भी डायलॉग्स ना बोले ना, तो प्रैंक खराब हो जाता है। तो फिर इसलिए मेरे दिमाग में जो जो आता रहा मैं करती रही, बोलती रही। तो नेक्स्ट है बबीता शर्मा का, पायल गोलू तो बिल्कुल डर गई, आपने सही में तो शादी नहीं कर ली। तो गाइस बबीता जी, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, वो एक प्रैंक था और प्रैंक को हमने प्रैंक की तरह एंजॉय करा, हमने उस चीज को रिएक्शन दिया कि अगर ये चीज होती तो हम लोग कैसे रिएक्शन देते, बस आप लोगों को एक एंटरटेनमेंट देना था हमें। पर हमने ना लक्ष्य की बहुत चोटियां घुमाई है, बहुत मारा उस बिचारी की गर्दन पे झटका जरूर आया होगा। मैंने तो बाद में लास्ट में उसका चुन्नी से गला दबा दिया था, मेरे को तो पैर छुरी थी, मैंने ऐसे पकड़ा, जो मैंने पकड़ा था ना तो मुझे लगा शायद। तो नेक्स्ट है गुमन धेलीवाल का, व्हेन पायल सेज मेरा जादू कहां गया भाई, बहुत फनी था ये डायलॉग भी, बहुत चला है गाइस मेरा। तो नेक्स्ट है शॉर्ट्स एनवी वीडियोस का, मुझे अच्छा लगा चाय बना दे चल। हां हमारे लिए जब ये लोग आए थे तो शादी करके इन्होंने बोला कि जा इन दोनों के लिए चाय बना के ला, तो मैंने बोला था मैं चाय बनाती हूँ अभी तेरी रुक जा ऐसे करके डायलॉग था। तो नेक्स्ट और आज का लास्ट कमेंट है अनुराग कॉमेडी शॉर्ट्स का, दोनों को सही बेवकूफ बना दिया। तो गाइस कोई किसी ने बेवकूफ नहीं बनाया, एक प्रैंक था, और लाइफ में जितने भी प्रैंक्स होते हैं ना वो सब ऑलमोस्ट पता होता है। हाँ कुछ लोग करते होंगे रियलिटी में प्रैंक, जैसे जो रोड पे प्रैंक्स होते हैं वो रियल भी होते होंगे, बट जो घर वाले जो प्रैंक होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली पता होता है, बस एक एक्ट होता है ताकि वो चीज दिखने में अच्छी लगे और जो हम चाहते हैं ना वो आप लोग एंजॉय करो। तो गाइज अब जो है बहुत कम दिन बचे हैं, 14 डेज बचे हैं हमारी गोद भराई के लिए, तो हम बहुत सारी रस्में करने वाले हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, तो बहुत सारे व्लॉग्स भी आएंगे, शायद दिन में दो भी आए, चीकू भी आएगा, फैमिली फिटनेस पे आएगा, अरमान मलिक पे आएगा, तो आप लोग एंजॉय करना हमारी गोद भराई। और कुछ अगर सजेशन देना हो गोद भराई के लिए तो आप हमें कमेंट भी करना, ताकि जो चीज हमें नहीं पता हो हम वो कर ले, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं संगीत मेहंदी और गोद भराई, तो गोद भराई में हम गेम्स खेलने वाले हैं बहुत सारे, तो आप लोगों ने अगर अपनी आपके यहाँ पे आसपास में कोई गोद भराई हुई है, वहाँ कोई गेम खेला हो, कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए ना। बस गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।